देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत कुल 13 लोगों का कल यानी बुधवार को निधन हो गया। पूरा देश इस हादसे से दुखी है। भारतीय वायुसेना का MI-17B5 हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के बीच भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक भरोसे का नाम है। कम समय में ही उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मनों से मुकाबले के लिए नई बुलंदियों पर पहुंचाया। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में, मैं हूं किरण। आज हम पेश हैं भारत के वीर सपूत और देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के जीवन से जुड़े कुछ किस्सों और भारतीय सेना में दिए उनके ऐतिहासिक योगदानों को लेकर। वाकई ये समय हम भारतीयों और भारतीय सेना के लिए बहुत दुख भरा है, लेकिन आज हम इस जाबाज के जीवन से जुड़े कुछ किस्सों की बातें करेंगे। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। बिपिन रावत के पिता का नाम जनरल लक्ष्मण सिंह था। बिपिन रावत के पिताजी जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके थे। जनरल रावत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में की और फिर वे राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी खड़कवासला और भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में शामिल हो गए। वहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया था। फिर उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज यानी DSSC वेलिंगटन और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड में हायर कमांड कोर्स और फोर्ट लीवेनवर्थ कंसास में जनरल स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। कल के इस हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत के अंतिम सफर में भी उनकी हमसफर मधुलिका उनके साथ ही रहीं और उन्होंने अपने पति के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने जिंदगी भर जैसे एक दूसरे का हाथ थामे रखा, वैसे ही मौत का दामन भी उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम कर ही पकड़ा। उनकी शादी 1985 में हुई थी, तब से लेकर कल तक मधुलिका उनका कवच बनकर उनके साथ ही रहीं। एक आदर्श पत्नी की तरह ही अपने पति की ताकत बनकर वो हमेशा उनके पीछे ही खड़ी रहीं और उन्हीं के साथ उन्होंने इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया। अगर हम CDS जनरल बिपिन रावत के मिलिट्री कैरियर की बात करें तो उन्होंने साल 1978 में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर साल 2019 तक देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक का सफर तय किया था। जनरल रावत अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में उन्होंने अपना काम किया। जूनियर कमांड विंग में सैन्य सचिव की शाखा और वरिष्ठ प्रशिक्षक के साथ साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा बने रहना स्वीकार किया और उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की भी कमान संभाली थी। गोरखा ब्रिगेड से COAS बनने वाले चौथे अधिकारी बनने से पहले रावत थल सेना अध्यक्ष भी बने। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके कैरियर का एक मुख्य किरदार म्यांमार में 2015 का सीमा पार ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सेना ने NSCN के आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर सफलतापूर्वक जवाब दिया था। और इसके साथ ही साथ जनरल रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक योजना का भी एक अहम हिस्सा थे। रावत नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक से घटनाक्रम की निगरानी कर रहे थे। CDS बिपिन रावत को अपनी सेवा के दौरान परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक और सेना पदक से अलंकृत किया गया था। जनरल रावत को 17 दिसंबर साल 2016 को भारत सरकार ने 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद 31 दिसंबर को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें और अंतिम अध्यक्ष के रूप में काम किया। जनरल रावत को 30 दिसंबर 2019 को पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 जनवरी 2020 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। कल हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सभी जवानों को हम सभी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।
इन्हीं जानकारियों के साथ आज हम आपसे लेते हैं इजाजत। आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।